डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम लोग टी मानने वाले रूल्स को पढ़ रहे थे, उसको सीख रहे थे, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया था पिछले दिन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से करना। तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 7.2, ये सेकंड बुक है। 7.2 वाले बुक में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चन किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन बोल रहा है, इंटीग्रेट करो आप कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स टी एक्स। दोस्तों, इसमें हम लोग किसको टी मानेंगे ताकि उसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए, मतलब उसका डिफरेंशिएशन करके जो आएगा उस सवाल में दिखना चाहिए, तो हम लोग उसी को टी मानते हैं। आप देख पा रहे होंगे, रूट एक्स को अगर टी मानेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो 2 से मतलब नहीं है, क्योंकि 2 हम लोग उधर भेज सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। अब रहा बात कि किस रूट एक्स को टी मान रहे हैं, नीचे वाला कि ऊपर वाला। तो भाई अगर ऊपर वाला मानेंगे तब ना 1/2 रूट एक्स होता है डिफरेंशिएशन, तो इसलिए हम लोग ऊपर वाले रूट एक्स को क्या मान ले, टी। तो यहां पे हम लोग ले रूट एक्स को क्या माना, टी। तो रूट एक्स को अगर टी मानेंगे तो यहां हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और जिधर एक्स होता है उधर डी एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डी टी। आप देख पा रहे होंगे, हम लोगों का तो ऊपर डी एक्स है, कोई बात नहीं, नीचे में 2 रूट एक्स होना चाहिए। तो क्या 2 रूट एक्स है, नहीं है, सिर्फ रूट एक्स है भाई। तो इसीलिए कांस्टेंट को हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, अगर आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग 1/√x डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाला 2 को उधर लिख देंगे तो 2 डी टी हो जाएगा। देख पा रहे होंगे ना, तो इसके लिए अब यहाँ पे सब चीज को पुट करते हैं। तो यहाँ हो गया कॉस रूट एक्स को माने हैं टी, तो ऊपर हो गया हम लोगों का कॉस टी इंटू डी एक्स बटा रूट एक्स डी एक्स। अरे भाई 1 × dx का मतलब डी एक्स ऊपर है, नीचे रूट एक्स है, तो डी एक्स बटा रूट एक्स के जगह पे 2 डी टी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 डी टी हो गया। अब आप बात बनाओ तो 2 कॉन्स्टेंट होता है इंटीग्रेशन से बाहर, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, कॉस टी डी टी। भाई मेरे, अब कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस टी का आप इंटीग्रेशन यहां पे पुट कर लीजिएगा, 2 तो 2 ऑलरेडी रहेगा, और फिर से टी के जगह पे आप रूट एक्स रख के प्लस सी एड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि आप पहले इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, कॉस टी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन रखकर 2 का 2 ही रहेगा, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो टी आएगा उस टी के जगह पे आप रूट एक्स रख दीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको जो अधूरा क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं इसको आप जरूर पूरा कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 था। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि किसको टी मानेंगे जिससे हम लोगों का बात बन सकता है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव उसमें दिखना चाहिए, अपने से कुछ उसको नहीं माना जा सकता है। देख लीजिए 27 को कैसे करेंगे। 27 में है रूट के अंदर साइन एक्स साइन 2x, रूट अंदर साइन 2x, और रूट से बाहर है कॉस 2x डी एक्स। दोस्तों, हम आपको आइडिया ही दे चुके हैं
आइडिया दे चुके हैं कि अक्सर 90% ऐसे केस होते हैं जो रूट के अंदर होते हैं ना, उसी को टी मान लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। रूट के अंदर क्या है, साइन 2x है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लेट साइन 2x को हम लोग मान लिए 2t। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x। तो यहां साइन के लिए क्या होगा, कॉस 2x और इनटू चैन रूल ना, क्योंकि अब साइन का हो गया कॉस, लेकिन 2x का क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, तब लगाएंगे ds और इधर हो जाएगा dt। आप देख पा रहे होंगे कि इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जो आया दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, कॉस 2x और dx है, यहां पे तो कॉस 2x 2dx है, तो 2 को हटाना होगा तभी ना यहाँ पे कॉस 2x dx दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज कर दिए, कॉस 2x dx और dt बटा में 2, ठीक है, ऐसा कर दिए। क्यों ऐसा कर दिए, क्योंकि जो इसका डेरिवेटिव आया उसको इस फॉर्म में दिखाना होता है। अब आपको यहाँ पे ना शॉर्ट में चैन रूल लगा दिया गया है, जो हम लोग दिमाग में लगा चुके हैं। देख लो भाई चैन रूल कैसे लगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन हमेशा 2x के रिस्पेक्ट में होगा, तो साइन 2x का 2x के रिस्पेक्ट में कॉस 2x, और फिर 2x ऊपर गया तो फिर से x के रिस्पेक्ट में बनेगा 2, और फिर dx, क्योंकि जिधर x रहता उधर dx, जिधर t रहता उधर dt, रूल है, हम लोग ला दिए। फिर हम लोगों को कैसा मिल रहा है, देख लो भाई रूट साइन x, तो रूट रहेगा ना, रूट को थोड़े ना हम लोग कुछ माने हुए हैं, हम लोग तो सिर्फ साइन 2x को टी माने हैं, तो हम साइन 2x के जगह पहले टी लिख सकते हैं, रूट का तो रूट ऑटोमेटिक रहेगा, इनटू कॉस 2x dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt बटा में 2, ठीक है। अब यहां से देख पा रहे होंगे तो 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/2 को बाहर निकाल लो, रूट टी और dt, अब तो कर लियो ना भाई, अब तो इजी है, रूट टी को है तो आप तोड़िएगा, पहले टी के पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, और टी के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करके जो टी का वैल्यू आएगा उसके जगह पर रख दीजिएगा, और प्लस टी जोड़ा जाता है तो जोड़ दीजिएगा। तो कुल मिलाकर अधूरा क्वेश्चन पे आपको हम छोड़ रहे हैं हर बार, ताकि आप अब सिंपल सा डिफरेंशिएशन करके जो टी में आएगा उस टी के जगह पे आप रख दियो जो टी हम लोग माने हुए। ये क्वेश्चन नंबर था 24। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, क्या बोल रहे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, cos x बटा रूट अंडर 1 + sin x, इंटीग्रेशन cos x बटा रूट अंडर 1 + sin x dx, ठीक है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि रूट के अंदर जो होता है अक्सर उसी को हम लोग टी मानते हैं। रूट के अंदर क्या है, 1 + sin x। लेट 1 + sin x को हम लोग माने टी, 1 + sin x को क्या माने, टी, ठीक है। जब 1 + sin x को मान लिया टी, तो आखिर हम लोग क्यों मान लिए टी, अब इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे ना, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपको खुद निकल जाएगा कि 1 का तो 0 ना, और साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स, उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, इसीलिए हम लोग रूट के अंदर को टी माने। तो यहां पर 1 का 0 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स dx dt। अब देख लो भाई यहां पे क्या नजर आ रहा है, ऊपर हो गया कॉस एक्स dx, तो कॉस एक्स dx के जगह पे हम लोग ऊपर कर दिए dt, और 1 हो गया और नीचे हो गया रूट टी, क्योंकि 1 × dt मतलब कि ऊपर ही ना हुआ, तो अब टी को डीटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसको टी मान लिए, तो आप इसको सिंपल फॉर्म में
इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा टी के पावर 1/2, लेकिन ऊपर जाएंगे लेकर तो टी के पावर -1/2 और डीटी। आप इसको इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, टी के रिस्पेक्ट में टी के रूप में आएगा और फिर टी के रूप में जो आएगा उसको क्या करना है, प्लस सी ऐड कर देना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे और जो टी आएगा उसके जगह पे आप क्या रखिएगा, 1 + sin x, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, इजी होता है, बसरते थोड़ा सा लोगों को इसमें हार्ड ये लगता है कि स्टूडेंट सोच नहीं पाते हैं कि आखिर किसको टी माना जाए, और यही इंपोर्टेंट है दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही इंपोर्टेंट है कि किसको टी माना जाए ताकि उसका डेरिवेटिव सवाल में दिखे। क्योंकि ऐसा मानो जैसे हम लोग पहले डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद रखते थे, अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आपको डिफरेंशिएशन भी उसी में सोचना है और आंसर भी उसी में दिया हुआ है। अब उसी में आपको सोचना है कि किसको टी मानेंगे ताकि उसका डिफरेंशिएशन करने पर, डेरिवेटिव करने पर सवाल में दिखे, तभी ना उसको फॉर्म में डीटी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, कॉटेक्स इंटू लॉग एक्स साइन एक्स, कॉटेक्स इंटू लॉग साइन एक्स डीएक्स, इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन है। दोस्तों हम लोग एक और चेंज कर सकते हैं ताकि आपको लग रहा होगा कि सर किसको टी मानेंगे, अब समझ नहीं आ रहा है कि किसको टी मानेंगे तो काम होगा, तो आप इस कॉटेक्स को तोड़ सकते हैं, कॉसेक्स बट्टा साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डीएक्स। क्यों, आप इसको कॉट को कॉस बाई साइन में भी तोड़ सकते हैं, तोड़ दिया। अब आप बोलोगे कि सर तोड़ने से फायदा क्या मिला, तोड़ने से फायदा मिला दोस्तों क्योंकि यहां पे आप मान लीजिए पूरा को लॉग साइन एक्स को मान लीजिए टी, इस पूरा को टी मान लीजिए आप। अब टी मानने से होगा क्या, क्योंकि इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे ना तो ऑटोमेटिक कॉस एक्स बाई साइन एक्स मिलेगा। अब आप बोलते कि सिर्फ साइन को मान लेते तो कॉस दिख रहा था, तो भाई वो तो सही है, लेकिन तुम फिर साइन को क्या करते, साइन को क्या करते, दिक्कत थी, इसलिए हम पूरा को मान लिए टी। अब पूरा को मानने से फायदा क्या बना, तो देख लो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो लॉग साइन एक्स का हो गया 1/sin x इंटू, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, फिर dx बराबर dt। समझना है चैन रूल से किए इसको, लॉग एक्स होता था तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे, तो लॉग साइन एक्स है तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, मन में कर लो ये सब चैन रूल, लॉग साइन एक्स है तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो 1/sin x, और फिर इस साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो कॉस एक्स, और फिर dx dt। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स dx इज इक्वल dt, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आप करो क्या, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लॉग साइन एक्स को तो पूरा हम मान लिए हैं टी दोस्तों, और इस कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स इंटू dx, देखो सब पूरा में है ना, कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स इंटू dx के जगह पे पूरा क्या रखना dt। तो आगे समझ पा रहे हो, इसका इंटीग्रेशन कर लियो क्या बनेगा, t² / 2 + c, t² / 2 + c। अब टी किसको माने हैं हम लोग, तो लॉग साइन एक्स, यहां लॉग साइन एक्स रख देना है और स्क्वायर का स्क्वायर वैसे ही रहेगा होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं टी मानकर, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30
क्या बोला जा रहा है, तो साइन एक्स बाय वन प्लस कॉस एक्स, क्या करना है, साइन एक्स बाय वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। दोस्तों इस सवाल में हम लोग टी किसको मानेंगे ताकि उसका डेरिवेटिव दिखे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम लोग नीचे वाले पूरा को टी मान सकते हैं। जब वन प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे तो वन का तो डिफरेंशिएशन जीरो और कॉस एक्स का क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स। लेकिन आप बोलेंगे कि सर साइन एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को उधर भेज देंगे। तो यहां पे हम लोग करेंगे क्या, लेट वन प्लस कॉस एक्स को मान लेंगे टी, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। लेकिन दोस्तों यहां पे दिख पा रहा होगा साइन एक्स और डी एक्स है, क्या है, साइन एक्स और डी एक्स, लेकिन यहां पे आया माइनस साइन एक्स और डी एक्स। तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, साइन एक्स और डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस डी टी, ठीक है, माइनस डी टी। तो कुल मिलाकर यहां पे देखा जाए तो ऊपर हो गया साइन एक्स और डी एक्स, तो साइन एक्स और डी एक्स के जगह पे क्या रख सकते हैं, माइनस डी टी, तो ऊपर तो हो गया माइनस डी टी और नीचे हो गया कितना टी। देख पा रहे होंगे यहां पे माइनस को तो हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो माइनस बाहर हो गया, अब वन बाई टी और डी टी, देख पा रहे होंगे वन बाई टी डी टी यानी कि वन बाई टी का इंटीग्रेशन, तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन हो गया लॉग टी, क्या माइनस और वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, तो यहां हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, और टी की जगह पे यहां पे रख दियो आप वन प्लस कॉस एक्स, दैट इज आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या बोला जा रहा है उसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कुछ इस तरीके से, साइन एक्स बटा वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहां पे इंटीग्रेशन है साइन एक्स बटा वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स बटा वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले यहां पे आप देख पा रहे होंगे लेट नीचे वाले को आप टी मान लो ना भाई, नीचे वाले को टी मानेंगे तो फायदा क्या होगा, वन प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे तो वन का तो डिफरेंशिएशन जीरो और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, लेकिन माइनस नहीं है हमको तो साइन एक्स और डी एक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है आप चलते रहो वो माइनस मैनेज हो जाएगा। तो वन प्लस कॉस एक्स को हम लोगों ने माना टी, तो वन प्लस कॉस एक्स को अगर टी मानेंगे दोस्तों तो यहां पर डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, तो वन का तो जीरो हो जाएगा, कॉस एक्स का देखना पड़ेगा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन ऊपर देख पा रहे होंगे तो साइन एक्स और डी एक्स है, ऊपर क्या है साइन एक्स और डी एक्स, तो इसलिए यहां पे देख पा रहे होंगे हम लोग कि साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी होगा, होगा ना। चलिए तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी एक्स है, तो साइन एक्स और डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी बटा वन प्लस कॉस एक्स, तो वन प्लस कॉस एक्स की जगह पे क्या है टी, तो यहां हो जाएगा टी स्क्वायर। माइनस को हम लोग कहां करेंगे दोस्तों, बाहर, तो माइनस बाहर कर लिया, टी का स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा टी के पावर माइनस टू डी टी, ठीक है। अब ये चीज बन रहा है, इसके बाद आप आगे का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, माइनस को कभी छेड़खानी नहीं करेंगे, माइनस का माइनस ही रहेगा, आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर टी जिसको माने हैं उसके जगह पे रख दीजिएगा, हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 कर चुके, अब आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, थर्टी टू नंबर क्वेश्चन में 1/1 प्लस कॉट एक्स देख लो, यहां पे 1 प्लस कॉट एक्स डीएक्स, ठीक है, 1/1 प्लस कॉट एक्स है, इसको डीएक्स के रूप में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर जैसे 32 बना रहे हैं हम लोग, 32 बना रहे हैं ना, सेम आपका 33 है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा जो है ना, थोड़ा सा ये घुमाया हुआ है, और इसमें थोड़ा सा घुमाया हुआ है ना, तो हम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ पे 32 क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे ही 33 भी है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझिएगा कि हम लोग काम क्या करने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है सीधा सीधा यहाँ पे मान लेने से उसका डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है। तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो होता है ना सीधा सीधा नहीं दिया हुआ रहता है, टेढ़ा दिया रहता है, हमको सीधा बनाना होता है, तब आपको दिखेगा बाद में जाकर कि उसका टी मानने पर उसका डेरिवेटिव है। अभी तो टी मानेंगे तो किसको टी मानेंगे भाई, आप बोलेंगे कि सर आप क्वाटेक्स को टी मान लो, हमने बोला ठीक है, तो क्वाटेक्स 1 प्लस क्वाटेक्स को टी मान लिया, तो 1 का तो मान लिया 0 हो गया, लेकिन क्वाटेक्स का तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा ना, और जब क्वाटेक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है तो आपको कहां दिख रहा है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कहीं नहीं, तो आप फंस रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या काम करते हैं जरा देखते चलिए, जैसे 32 बना रहे ना वैसे ही 33 आपको सॉल्व करना है। आप सबसे पहले कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन 1/1 को लिख दो 1/1 प्लस, तो प्लस कॉटेक्स को लिख दो कॉसेक्स बटा साइन एक्स इंटू डीएक्स, यहां हो गया इंटीग्रेशन, ऊपर हो गया 1/1 और साइन एक्स का एलसीएम कितना हो गया, 1 और साइन एक्स का एलसीएम साइन एक्स, 1 से ये कितना बार में कट रहा है साइन एक्स बार में, और साइन एक्स को 1 से गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा साइन एक्स प्लस प्लस, अब साइन एक्स से साइन एक्स एक बार में कट रहा है तो यहां हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे और क्या बच रहा होगा ऐसे सिचुएशन करने से, तो ये साइन एक्स जो है ना नीचे है उसको ऊपर लिख सकते हैं, तो अब यहां पे कर दीजिएगा साइन एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहां पे नीचे जो साइन एक्स है और नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन एक्स, नीचे होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है ना, यहां सब चीज जैसे जैसे यहां पे कर रहे हैं आपको वहां पे भी वही काम करना होगा, बशर्ते थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, जैसे मान लिया कि यहां पे साइन एक्स है ना, तो यहां पे एक बात याद रखिएगा 1/2 से गुना भागा करना पड़ता है, 2 साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। देखिए अब यहां तक तो लोग समझ जाते हैं, अब इसको थोड़ा सा फार्मूला पे लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, 2 से गुना किया अपने से और 2 से भागा कर दिया, बात तो बराबर हुआ ना, 2 से गुना भागा, अरे भाई 2 को बाहर निकालेंगे तो वही तो 1 बच जाएगा, तो हम लोग इसीलिए 2 से डिवाइड किए हैं और 2 से गुना कर दिए हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिए 2 से गुना कर दिए, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे 1/2 जो है बाहर है, 1/2 बाहर है, अब ये इंटीग्रेशन, अब 2 साइन एक्स बन गया यहां पे, यानी कि साइन एक्स कितना हो 2, यानी इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स, लेकिन दोस्तों
नीचे देखा जाए तो cos x है ना, नीचे क्या है cos x, इसलिए करेंगे क्या, ऊपर एक बार cos x ऐड कर देंगे और माइनस cos x कर देंगे, यानी कि एक बार क्या कर देंगे cos x प्लस में, एक बार cos x माइनस में, तो नीचे क्या होगा sin x प्लस cos x और इंटू dx। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि जो 2 sin x है इसका मतलब हुआ sin x प्लस sin x, sin x प्लस sin x। हम लोग अपने तरफ से क्या किए तो cos x को ऐड किए, cos x को घटा दिए, क्यों, क्योंकि अकेला sin ऊपर था, इसका एक दोस्त नीचे क्या है cos x। तो दोस्तों वहां आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वहां ऊपर 2 cos x आएगा तो आप sin x को ऐड कीजिएगा और sin x को घटा दीजिएगा, समझ पा रहे ना, ऐड करना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा sin x को नीचे वाला देखकर, क्योंकि ऊपर तो sin x था, cos x घट रहा था, तो हम लोग cos x को एक साथ प्लस माइनस कर दिए। अब दोस्तों करना क्या है, 1/2 का 1/2 लिखिए, अब नीचे क्या है प्लस, नीचे क्या है प्लस, तो नीचे जब प्लस है तो ऊपर एक बार sin x और cos x को प्लस को एक साथ कीजिए, तो नीचे हम लोग देखे कि प्लस में है तो ऊपर वाला साइन और कोस वाले प्लस को एक साथ रखा, तो यहां हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स को एक साथ रख दिया, रख दिया ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक साथ रख दिया, फिर क्या बच रहा होगा उधर, तो प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देख रहे हैं ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक साथ रख दिए, फिर प्लस और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बच रहा है, बच रहा है, और पूरा का डिवाइड कितना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को यहां पे सिचुएशन बन रहा है, देख पा रहे होंगे। अब ऐसा चीज करने के बाद आपको क्या बोल रहा है, 1/2 तो 1/2 सबके बाहर है, ठीक है, 1/2 सबके बाहर है, अब इंटीग्रेशन में तोड़ सकते हैं इसको। सबसे पहले इंटीग्रेशन में तोड़ने के पहले एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जब दो को ऊपर नीचे प्लस होता है तो दोनों के नीचे ये बटा टूटता है, मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, तो इसको तोड़ दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस है, यहां हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और पूरा का डी एक्स। ठीक है, होगा ना भाई, ये इसके नीचे भी ये हो गया, इसके नीचे भी हो गया, अब ये कितने बार में कटा, 1 बार में। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब हम लोगों को कैसा दिख रहा है, देख लो भाई, ऐसा इतना लंबा चौड़ा कहानी क्यों जा रहा है, आखिर इसके पीछे कारण है, इसलिए जा रहा है ताकि हम लोगों को डेरिवेटिव दिखना चाहिए जो कि नहीं दिख रहा था। तो यहां पे अब आ गया 1/2, अब हम लोग यहां पे तोड़ दिए अलग अलग, तो इसके साथ इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन 1 dx, ये कट गया ना पूरा का पूरा, इसीलिए तो ऊपर को एक साथ प्लस रखे थे नीचे वाला को देखकर, ताकि अलग अलग करेंगे तो हम लोगों का कट जाएगा, वैसे ही आप वहां पे भी कीजिएगा, 1 हो गया प्लस इंटीग्रेशन, ऊपर क्या बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, अगर ऐसा सिचुएशन में देख पा रहे होंगे आप कि 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये तो हो जाएगा फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं होगा यहां पे, क्योंकि 1 dx है, इसका इंटीग्रेशन x होगा, प्लस
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहां पे देख पा रहे होंगे लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को माने हैं टी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या माने टी, क्यों टी माने भाई यहां पे, क्योंकि अब इसके लिए तो हम लोगों को काम करना पड़ेगा ना, तो इसको हम लोगों ने माना टी। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और पूरा का डी एक्स बराबर में डी टी, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ऊपर क्या चाहिए, साइन एक्स प्लस और कॉस एक्स वाला माइनस में, तो कुल मिलाकर यहां देखा जाए तो माइनस बाहर करेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। माइनस को जब बाहर किया गया तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अंदर में बच रहा होगा, इंटू डी एक्स बराबर डी टी। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस जो बाहर है उसको हम लोग उधर भेज सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अच्छा ये जो आया हम माइनस क्यों कॉमन किए हैं, क्योंकि ऊपर जो दिख रहा था इसलिए माइनस को अब उधर भेजेंगे तो बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अब हम लोगों को फॉर्मूला पता चल गया, वन बाई टू तो सबके बाहर है, इसका इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स लिख दिया, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस, अब इसको नीचे वाला को माने क्या है टी, नीचे वाला को टी ना, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी, ये हो गया माइनस डी टी, और ब्रैकेट क्लोज, यहां हो जाएगा वन बाई टू ब्रैकेट एक्स प्लस, प्लस नहीं इस माइनस को आगे कर लेते हैं माइनस, इंटीग्रेशन अभी हटा नहीं है, वन बाई टी डी टी ब्रैकेट वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी और फिर इधर प्लस भी ऐड कर देंगे, और आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों का जो सिचुएशन बन रहा है वो कैसा सिचुएशन बन रहा है। तो अब हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया वन बाई टू ब्रैकेट एक्स माइनस लॉग टी, टी के जगह पे कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो लॉग के अंदर हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और फिर ब्रैकेट प्लस सी, तो कुल मिलाकर कितना हुआ वन बाई टू को एक्स से गुना कीजिए तो हो जाएगा एक्स बाई टू प्लस माइनस माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में टू प्लस में कितना सी, ये हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हम लोग 32 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, आपके लिए छोड़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 33 भी सेम ही है, वहां पे बता देते हैं क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टेन एक्स, ध्यान दीजिएगा ये टेन एक्स है ना, टेन एक्स है, साइन बाय कोस में तोड़िएगा एलसीएम लीजिएगा नीचे को ऊपर भेजिएगा 1/2 से गुना कीजिएगा भाग कीजिएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स को ऐड कीजिएगा साइन एक्स को घटाइएगा, तब हम लोगों को वहां पे इसी तरीके से सिचुएशन बनेगा, फिर बाद में आपको टी मानना होगा, आपको सॉल्यूशन करना होगा, यानी कि जैसे 32 बनाए हैं सेम वैसे ही आपको क्या करना है 33 भी बनाना है, ठीक है। जैसे 32 बना रहे हैं वैसे ही 33 भी बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट में करते हैं हम लोग क्वेश्चन 34 क्वेश्चन में क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 34 रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इस सवाल में आप किसको टी मानेंगे,
तब आप बोलेंगे कि सर आप ही तो बोले थे ना कि रूट के अंदर वाले जो tan x होते हैं भाई उसको t मान लिया करो। तो tan x को अगर t मानेंगे, tan x को क्या करेंगे t मानेंगे, तो यहाँ पे तो उसका डेरिवेटिव क्या नजर आएगा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे tan x को t मानने से तो sec स्क्वायर x नहीं दिख रहा है, हम बोलेंगे हाँ भाई दिख नहीं रहा है, बिल्कुल सही बात। लेकिन आप एक काम करो दिखाने के लिए, ऊपर वैसा का वैसा ही छोड़ो, tan x बटा नीचे था आपका sin x into cos x, ठीक है, यहाँ पे dx है। हम क्या किए, नीचे अपने तरफ से cos x से गुना कर दिए और cos x से भाग कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, ऐसे भी तो cos x कट के सवाल जैसा ही तो दिख रहा है। हम क्या किए, नीचे में cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्यों किया अब आपको समझ में आएगा, इसलिए समझ में आएगा क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे रूट tan x है और यहाँ पे बन रहा होगा sin by cos, इसको लिख दीजिए, sin by cos को क्या लिख देंगे tan x into cos और cos मिलकर cos square x into क्या dx, इसी को हम लिख सकते हैं रूट tan x, या फिर ऐसे बोल दो भाई रूट में है ये बिना रूट में है, जैसे मान लिया देखो रूट दो है ना और नीचे सिर्फ दो रहता है तो कट के नीचे रूट टू लिखते हैं, ये रूट समझ जाओ, जब ऊपर में रूट रहे नीचे में बिना रूट रहे, सेम सेम नंबर रहे लेकिन रूट और बिना रूट रहे, तो बिना रूट वाला को काटते हैं और जिधर बिना रूट रहता है उधर देते हैं। जैसे मान लो टेन रहा ऊपर और नीचे रूट टेन रहा तो ये कटेगा तो ऊपर में लिखेंगे रूट टेन, उसी तरीके से ये कट गया तो नीचे में कितना हुआ रूट टेन एक्स। तो जब नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है तो उभर जाएगा तो कितना होगा, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बटा नीचे कितना होगा टेन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, देख पा रहे होंगे ना, ये रूट टेन एक्स है और ये बिना रूट वाला है तो कटेगा तो किधर जाएगा नीचे ना, तो रूट टेन एक्स और ऊपर वन बाई कॉस स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे sec square x बटा रूट टेन एक्स इंटू डी एक्स, अब इसको हम लोग किसको t मानेंगे जरा देखिए, अब आपको पता चल रहा ना tan x को t मानेंगे तो sec square x डी एक्स दिख रहा है, तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे मानेंगे किसको मानेंगे भाई, यहां पे रूट के अंदर वाले को लेट tan x को मान लिया t, tan x को क्या मान लिया t, तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया sec square x dx बराबर dt, tan square x tan का x का हो गया sec square x dx dt, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो फिर देखते हैं क्या क्या मिलता है वैल्यू, तो अभी हम लोगों का इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से आया है, sec square x dx, sec square x dx के जगह पे ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया root under tan x, तो tan x का हो गया t। अब यहां पे दिख पा रहा होगा root t है, अब ये root t का मतलब क्या पावर में जाएगा ना, t के पावर पावर में जाएगा तो यहां पे हो जाएगा root under t के पावर माइनस वन बाई टू और dt, ठीक है, यहाँ पे दिख पा रहे होंगे ना यहाँ पे t के पावर 1 बाई टू होगा, जब ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बाई टू dt। इसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन करके जो t में आएगा उसके जगह पे आप tan x रख दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 बोल रहा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटा में एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन,
सबसे पहले दोस्त किसको टी मानेंगे ताकि उसका डेरिवेटिव दिखने लगे, आपको सोचना पड़ेगा। तो आप सोच पा रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानेंगे, क्यों? क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का कितना तो 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स आपको दिख भी रहा है डेरिवेटिव में, इसलिए आप करो क्या, लेट 1 प्लस लॉग एक्स को मान लो टी, तो 1 का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कितना 0 और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी, लॉग एक्स का हो गया 1 बाई एक्स और इधर डीएक्स आता है इधर डी टी आता है। हम लोग करेंगे क्या, 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माना है टी, तो ऊपर हो गया टी स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स डीएक्स, या फिर बोलो आप डीएक्स बटा एक्स के जगह पे डी टी, तो 1 बाई एक्स डीएक्स के जगह पे हो गया डी टी। तो कुल मिलाकर इसका इंटीग्रेशन देख लियो, टी के पावर स्क्वायर है तो टी के पावर 3 बाई 3 होगा प्लस सी, और टी के जगह पे आप रख दीजिएगा 1 प्लस लॉग एक्स। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का 35 क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, x प्लस 1 इंटीग्रेशन है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटा में x इंटू में dx, ठीक है, यही ना क्वेश्चन, ठीक है यही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये जब इंटू में है तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं x प्लस 1 बटा x इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स, यानी कि जब मल्टीपल में होता है तो किसी एक के नीचे ही बटा लिखते हैं, जब मल्टीपल यानी कि गुना में होता है तो किसी एक के नीचे बटा में लिखते हैं, लिख दिया। अब दोस्तों आपको पता है कि इसके बटा में है तो इसके बटा में टूटेगा ना अलग अलग, एक्स बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स लिख सकते हैं ना, प्लस में था तो अलग अलग तोड़ दिया, तो इधर और क्या बच रहा है, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। देख पा रहे होंगे हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्लस में था और प्लस में हम लोग अलग अलग तोड़ते हैं, इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। दोस्तों ऐसा करने से आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों का डेरिवेटिव पता चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि सर आप इसके नीचे क्यों नहीं तोड़े या फिर किस कोई और कुछ नहीं क्यों किए, तो यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहे थे कि ऐसा करने से दोस्त यहां से एक्स और एक्स कट के कितना बन रहा है 1 और प्लस 1 बाई एक्स, और इसको हम लोग टी मानेंगे फिर वही आ जाएगा डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 लॉग एक्स का 1 बाई एक्स और पूरा का डी एक्स। इसीलिए हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग इसको टी मानने वाले हैं, इट मीन्स इस बार हम लोग करेंगे क्या, इस सिचुएशन में अब हम लोग कर लो क्या, यहाँ पे एक्स प्लस लॉग एक्स को टी मान लो, तो एक्स का इंटीग्रेशन 1 सॉरी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स पूरा का डी एक्स बराबर में कितना डी टी, ठीक है 1 प्लस 1 बाई एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि यहां पे बन क्या रहा है 1 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, पूरा के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं डी टी रख सकते हैं और इसको हम लोग क्या रख सकते हैं टी, तो यहां हो जाएगा टी का स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स ब्रैकेट डी एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी, यानी इसके जगह पे डी टी लिख सकते हैं। आप करेंगे क्या,
सिंपल वे इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो टी आएगा उसके जगह पे एक्स प्लस लॉग एक्स रख देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 36 था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन 37 क्वेश्चन साइन ऑफ इंटीग्रेशन और एक्स क्यू साइन के अंदर टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 बटा 1 प्लस एक्स के पावर 8 डीएक्स, ठीक है। 1 प्लस एक्स के पावर 8 डीएक्स। अब इसको करेंगे क्या दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है, tan इनवर्स x का वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे देख पा रहोगे आप tan इनवर्स x के पावर 4 है, तो यहां पे है। किसको मानेंगे, लेट tan इनवर्स x के पावर 4 को मान लिया t, ठीक है। और tan इनवर्स x के पावर 4 को मान लिया t, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मतलब यहां x के पावर 4 का स्क्वायर, और इनटू ये तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 4x³ dx = dt। अब यहां पे देख पा रहे होंगे कि 4 तो बाहर कहीं नहीं है, 4 तो बाहर कहीं नहीं है ना, 4 तो हम लोगों को उधर ले जाना पड़ेगा, तो यहां पे क्या बच रहा होगा, x³ / 1 प्लस एक्स के पावर 8 dx बराबर dt बटा 4। देख पा रहे हो ना कि यहां पे x³, यहां पे 4 क्यों उधर किए, क्योंकि हम लोगों का x³ था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स के पावर 4 का स्क्वायर यानी कि एक्स के पावर 8, और इनटू dx, तो इसके जगह पे हम लोग कितना रख सकते हैं dt/4। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रेशन और साइन, इसके जगह पे हम लोग कितना रख सकते हैं t, तो यहां हो जाएगा साइन t इंटू x³ / 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू dx, इसके जगह पे कितना रखना है dt/4। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे 1/4 को बाहर निकालेंगे, तो 1/4 बाहर निकल गया, क्या बच गया साइन t dt। अब यहां पे 1/4 साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cos t प्लस में c। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा और t के जगह पर रख देंगे tan इनवर्स x के पावर 4, तो यहां पे हम लोगों को आंसर किस तरीके से मिलेगा जरा देख लेते हैं। तो 1/4 ये माइनस कर देते हैं आगे, फिर है cos t, तो t के जगह पे कितना tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस में c, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 37 क्वेश्चन को करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ऊपर क्या है tan x के पावर 9 प्लस tan के पावर x log e to the base 10 ठीक है, और पूरा का क्या है ऐसे dx बटा x के पावर 10 प्लस
10 के पावर एक्स, देख पा रहे होंगे यहां पे 10 एक्स के पावर 9 है प्लस 10 के पावर एक्स लॉग ई टू द बेस 10 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हम लोग किसको टी मानेंगे तो हम लोगों का काम बन सकता है, ठीक है, किसको टी मानेंगे तो हम लोगों का काम बन सकता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो यही हम लोगों को सिखाया जाता है कि किसको टी मानेंगे। दोस्त यहां पे नीचे वाले को आप टी मान लो, 10 के पावर एक्स बराबर टी। आप एक्स के पावर 10 का डिफरेंशिएशन जानते हो ना, 10 बाहर निकलेगा और एक्स के पावर 9 प्लस, अब एक फार्मूला आपको डिफरेंशिएशन का पढ़ाए हुए थे शायद याद नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बार यूज नहीं आता है, ए के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, ए के पावर एक्स और लॉग ए, ठीक है, ये हम लोगों का रूल होता है, कितना होता है, ए के पावर एक्स और लॉग ए। यहां पे लॉग का कुछ बेस नहीं है, ई भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये जो लॉग ई लिखा है तो ये हम लोगों को ये नहीं भी लिखा जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, 10 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका होगा 10 के पावर एक्स लॉग 10, ये होता है फॉर्मूला ए के पावर एक्स का, ए के पावर एक्स लॉग ए। अब ये बात अलग रहेगा कि ई लगा सकते हैं चाहे नहीं लगा सकते हैं, सवाल में ई लगाया हुआ है तो लगा भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, ई का कोई माने मतलब नहीं है। तो ये हम लोगों का डिफरेंशिएशन हो गया, इधर लगा देंगे डीएक्स और दूसरे तरफ डीटी, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि नीचे वाला को माने हैं टी, नीचे वाला को क्या माने टी, तो नीचे हो गया हम लोगों का टी और ऊपर 10 के पावर 10 एक्स के पावर 9 10 के पावर एक्स लॉग इनटू द बेस 10 डीएक्स के जगह पे हम लोग डीटी रख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग एक और तरीके लिख सकते हैं, कौन सा तरीका, तो 1 बाई टी डीटी और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन 1 बाई टी का हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, ठीक है, लॉग टी प्लस सी। अब जब लॉग टी प्लस सी हो गया तो हम टी के जगह पे कितना रख सकते हैं, जिसको माने हैं, ठीक है। तो यहां पे देख पा रहे होंगे कि लॉग यहां हो जाएगा टी, तो टी के जगह पे कितना रखेंगे, यहां पे एक्स के पावर 10 प्लस 10 के पावर एक्स, ठीक है, लॉग टी, तो टी के जगह पे एक्स के पावर 10 प्लस 10 के पावर एक्स प्लस सी। अब देख लेते हैं यहां पे कौन सा आंसर हम लोगों का करेक्ट है, तो लॉग 10 के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर 10 प्लस सी, तो ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देख पा रहे होंगे। तो ये इजी क्वेश्चंस था लेकिन आपको इसका डिफरेंशिएशन आने चाहिए, किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है यानी उसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है, उसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे ऊपर है डीएक्स बट्टा क्या है, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो यहां पे दिख पा रहा होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसी को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, क्यों भाई, अरे 1 को डीएक्स से मल्टीपल करेंगे तो 1 ही ना बचेगा। अब हम लोग जानते हैं 10th के फॉर्मूले से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, देख लो भाई
वन का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन होता है, हम लोग वन के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स रख दिए। फिर से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, देख लो क्या जानते हैं, कि अगर कोई इंटीग्रेशन में या मैथमेटिक्स रूल में ऊपर अगर प्लस और माइनस रहता है और नीचे सबके डिवाइड में रहता है तो हम लोग प्लस और माइनस को तोड़ देते हैं। तो यहां पे कैसे बन रहा होगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और पूरा का डीएक्स, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल। तो यहां हो गया इंटीग्रेशन वन बाय कोस स्क्वायर एक्स कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स खत्म। तो वन बाय साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर एक्स पूरा डीएक्स। अब देख लो भाई यहां पे अलग अलग तो हम लोग कर सकते हैं ना, जैसे यहां पे प्लस है तो सेक स्क्वायर एक्स को अलग, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है और प्लस सी। तो आप देख पा रहे होंगे टेन एक्स माइनस कॉट एक्स कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो आप देख पा रहे होंगे इजी वे में हम लोगों का बन रहा था क्वेश्चन। तो ये था हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड पे इंटीग्रेशन, जिसको यहां पे हम लोग देखे कि उसी को टी माना जाता है जिसका डेरिवेटिव सवाल में दिखे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से 7.2 एक्सरसाइज आपका इंटीग्रेशन का टोटली खत्म हो चुका है। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर से एक्सरसाइज 7.3 के लिए कुछ सीखेंगे, पहले थ्योरी और फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे 7.3 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।